नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस द्वारा खोए हुए 139 एंड्रॉयड मोबाइल को जब्त किया गया, सुपुर्द किया गया लोगों को। और आगे बात करेंगे भोपाल की, यहां पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, यहाँ दो दिन पहले लापता हुई 1.5 साल की बच्ची का नाली में शव मिला है। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 139 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, बरामद किए गए हैं। बता दें कि वर्ष 2024 में अब तक कुल 400 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 61 लाख रुपए है, बरामद कर स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है। वहीं इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया है। सर, आजमगढ़ पुलिस ने कई मोबाइल बरामद किए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, फरवरी माह से आजमगढ़ पुलिस द्वारा मोबाइल जो गुमशुदा हो जाते हैं उनकी उनकी बरामदगी के लिए अभियान चलाया था, जिसमें पिछले विगत 3 माह में हमने लगभग 261 फ़ोन रिकवर किए थे और इस माह में हमने 140 फ़ोन लगभग रिकवर किए हैं। टोटल 400 फ़ोन अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। ये सभी फ़ोन CEIR पोर्टल के माध्यम से रिकवर किए गए हैं। जिन्होंने भी यूपी कॉप ऐप पे या फिर किसी भी माध्यम से थाने पे सूचना दी है, उनको CEIR पोर्टल पे अपलोड किया गया है और उनसे ट्रैक करके हमने इन फ़ोनों को रिकवर किया है। इनका लगभग मूल्य 60 लाख रुपए है और इसी तरह प्रतिमा अभियान चलाया जा रहा है। हर माह जितने भी फ़ोन रिकवर होते हैं उनको वितरित किया जाता है। सर, पब्लिक को ये जानकारी देना कितना ज़रूरी रहेगा कि वो मैनुअल तरीके के बजाय इस तरीके के पोर्टल पे वो जाकर रजिस्टर करें, उसके बारे में? बिल्कुल, पब्लिक से अनुरोध रहेगा कि कोई भी फ़ोन अगर आपका किसी भी कारण से खो जाए या चोरी हो जाए तो उस पर तत्काल थाने पर जाकर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से CEIR पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड कर दें, जिससे कि हमारी ट्रैकिंग व्यवस्था में वो आ सके और जैसे ही उस पर कोई भी फ़ोन नंबर एक्टिव होता है हम लोग उसको ट्रैक कर सकें और उसको रिकवर कर सकें। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। भोपाल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। थाना इटखेड़ी की घटना, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। चरित्र संदेह के शक पर पत्नी के टुकड़े कर उसको जलाकर दफनाया। इटखेड़ी अरवालिया जोड़ कचरा खंती पर महिला की बॉडी के 14 टुकड़े अलग अलग खेत में मिले। 22 मई को महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी निषादपुरा थाने में। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अब जेल भेज दिया है। वो हमारे घर की बेटी, जिसको उसके आदमी नहीं मारा है, 21 तारीख को घर से लेके गया था कि चाइना बाजार में मुझे मिलने के लिए। जब वो चाइना बाजार मिलने गई तो उसको अपने घर ले जाके उसको वहाँ मारा पीटा और वहाँ पे बरहाना करके उसका पूरा है ना जुलूस निकाला मोहल्ले वालों के सामने, और फिर उसके टुकड़े करके और वहाँ पे ना काली मिट्टी के खदान में ले जाके जला के और उसको वहीं दफन कर दिया। और वहाँ से उसके है ना सर को पुलिस वालों को बॉडी पार्ट्स भी मिले। और ये कांड उसने 21 तारीख को ही करा था और हमारी रिपोर्ट 22 तारीख को लिखी गई है। और जब हमें ये बात 23 तारीख को पता चली, हम जब से पुलिस वालों से कह रहे हैं कि सर ऐसा हुआ है, सर ऐसा हुआ, मगर वो ये कहते थे कि जब कोई हमारे हाथ में प्रूफ नहीं है तो हम क्या करेंगे। और अभी लड़की का जुलूस निकाला गया है, इस बारे में रिपोर्ट नहीं लिखी है उन्होंने। सिर्फ वो तो बयान ले रहा है, जो लड़के ने बयान दिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग की बात ही नहीं सुन रहा, बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहा कि हम लोग बता रहे हैं उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पहले उसको मारा है फिर जलाया है, लेकिन ऐसी नहीं। बस जो लड़के ने कार्रवाई मतलब जो मुजरिम ने कह दिया वो मान लिया उसको। जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम सानिया है। और जो उनके हस्बैंड थे उनका नाम क्या है? नदीम मुन्ना नाम है उसका। नदीम 2 साल की बच्ची थी, 2 साल की बच्ची मतलब जल के मर गई। किसकी भी वाला हमारी बहन की लड़की थी, जो अभी उसका हत्या हुई है, अभी उसकी बहन की लड़की थी, लेकिन वो मानता था कि हमारी बहन नहीं मारा उसको, हमारी बहन नहीं मारा, ये कह के उसको मारता था, टॉर्चर करता था, ठीक है ना। फिर अभी 21 तारीख के दिन उसका फ़ोन आया, फिर आ जाओ क्या नाम मीना क्या नाम है चाइना सेल के, हम बात करने मतलब बात करना है। चाइना सेल पे आके लेके गया वो, उसके बाद अल्लाह हमारी बच्ची घर नहीं पहुँची। जब वहाँ जाके हमने मोहल्ले वालों से पता करा तो वहाँ पता चला कि इसने मतलब वायर हाइना करके उसका जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद उसको घर में ले आ गए। दामाद का नाम क्या आपके? मुन्ना। और लड़की का नाम सानिया? सानिया। तो ये बात कितनी टाइम पुरानी है जी कि उसका जुलूस निकाला गया था? ये 21 तारीख की रात की बात है, हमें 21 तारीख को दिन में पता, मतलब 12 बजे ले गया था वो, लेकिन उसने मतलब हत्या को अंजाम 21 तारीख की रात में दे दिया था।
हमें 22 तारीख को मतलब 23 तारीख को पता चला, हमने 22 तारीख को रिपोर्ट करी थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि रिपोर्ट 24 घंटे बाद होगी। लड़की बाली के मतलब किसी के साथ चली नहीं गई है चक्कर। जब हम आया के पता करे तो पता करा तो वहाँ के लगे मतलब उसका मतलब मकान। सर सानिया हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है, सानिया जो है 21 तारीख को घर से अरोन में उसका मायका है वहाँ से वो चली थी, तो अपने पति क्या कहते हैं नदीम जो पतलून में रहता है उसके संग ये इसने ले आया था उसको। परिवार वालों को पता नहीं था कि पति के संग गई है, और लोगों ने कम से कम रिपोर्ट निषादपुरा में की थी। निषादपुरा वालों ने जो है उसकी गुमसकली की जांच की, तस्दीक किया उसकी। जांच के दौरान उनको पता चला कि उसका पति ने जो है उसका हत्या कर दिया है। तो उसकी इससे वो लोगों ने पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने बता दिया कि मैंने उसको जो है हत्या करके और अरवलिया के पास जो कचरा फेंकते हैं वहाँ पर खंती है, खंती में छिपा दिया हूँ। फिर निषादपुरा की पुलिस आई, ईट खेड़ी की पुलिस मिलकर उसकी जब तहदीक की, उसको ले जाकर बताया गया। तो खंती के पास उसने बताया कि 21 तारीख को मैंने उसकी हत्या कर दी थी घर पे पतलून में, और उसे रात में 11-12 बजे लाकर उसको पहले तो बोरों में जो बोरों में लपेटा था और घर के रजाई गद्दे वगैरह जो कपड़े थे उनमें लपेट के लाया था कचरा घर के पास, उसको पहले जलाने की कोशिश की। जब वो पूरी थोड़ी जली नहीं तो उसको मैंने जो है वहीं बड़ा गड्ढा जो है उस गड्ढा में धूल मिट्टी में फावड़ा से जो है हटा के उसको 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 दफना दिया था, ऐसा उसने बताया। जब उसी स्थान पर गए तो वहाँ पर कुछ मानव अस्थियाँ जैसी मिली हैं, संभवतः वो उसी की अस्थियाँ हैं लड़की की जिसके जैसे हत्या की है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। आज पंजाबी कॉलोनी शिकोहाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब दो दिन पूर्व गायब हुई 1.5 साल की बच्ची का शव नाली में पड़ा मिला। मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई, एक हाथ धड़ से अलग कर दिया गया। पंजाबी कॉलोनी शिकोहाबाद में रक्त रंजिश हालत में मिली बच्ची की लाश। घटना की जानकारी नजदीकी थाना शिकोहाबाद को दी गई और जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, सीओ सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच घटना की विस्तार से जानकारी ली। शाम को 7 बजे से लड़की यहां से एक इसका नंदो ये वो उठा के ले गया है, और वो भागी भी थी उसके पीछे, तो वो पकड़ाई में नहीं आया। तो फिर वो जो पकड़ा गया तो धोबी वाली गली है उसमें मिला था, तो नशे में हमारे जो 2-4 जने पकड़ के लाए घर पे उसको पकड़ा। फिर कोई सिपाही आए थे, उन्होंने पिटाई करी थी, घर वालों ने मारा था उसको। फिर उसके बाद में वो कुछ नहीं कह रहा था, ये कह रहा था कि मुझे नहीं मालूम है, मैं दारू के नशे में हूँ, याद आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। फिर हम अपने घर से आए चले सर से, हमने उसको पकड़ा, फिर 112 फ़ोन करा, फिर टीम आई पूरी, फिर थाने पर सी ओ साहब के पास में ले आके कार्रवाई हुई है। तो अब ये लड़की दुर्घटना में मारी गई है, ये 1.5 साल की लड़की है। 1.5 साल की 31 तारीख से, हाँ 31 तारीख से गायब है ये, हाँ लड़की, तो ये डेड बॉडी मिली है उसकी। बताती क्या प्रकरण था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए 31 को शाम में 7 बजे के आसपास थाना सिकोहाबाद के SHO को सूचना मिले कि एक बच्ची कटरा मीरा दर्जी गली से कहीं चली गई है, नहीं मिल रही है। इस सूचना पर तत्काल SHO अपनी टीम के साथ वहाँ मौके पर गए, वादी के साथ वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, खोजबीन शुरू कर दी गई, आसपास के कैमरे वगैरह देखे गए। कैमरे जब देखे जा रहे थे तो उसमें ये चीज़ बड़ा स्पष्ट दिखा कि जो वादी है उनका अपना भनोई उस बच्ची को अपने साथ लेके जा रहे थे। इस सूचना पर हम लोग तत्काल उनके जो भनोई है उसको लेकर के हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी। इस व्यक्ति ने हम लोगों को इनिशियली जब से हिरासत में लिया गया तब से ही लगातार गुमराह करता रहा है। उसके बाद 2 जगह ये लेकर के टीम को गया, कल शाम में इसने अपनी पत्नी को देना बताया, पत्नी को भी हिरासत में लिया गया, उसे पूछताछ की गई। बाकी उसमें हम लोगों ने अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया था, उसके बाद हमारी खोजबीन चल रही थी। आज मॉर्निंग में यहाँ जो पंजाबी मोहल्ला है यहाँ पर उस बच्ची की डेड बॉडी मिली है, हम लोग इसमें तत्काल इसको मोर्चरी भेज रहे हैं,
और इसमें जो भी अन्य धाराएं बनती हैं उसमें उसका उसकी वृद्धि की जाएगी। और इस दोनों से जो हिरासत में इनसे पूछताछ अभी भी जारी है, प्रथम दृष्टया इनके द्वारा इस घटना को अंजाम देना प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी जो डेड बॉडी मिली है उसको लेकर के तमाम हम लोग जो एविडेंस है हमारी फैसिलिटी टीम आ गई है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो भी इसमें फाइंडिंग्स होगी उसके आप अगली मैदानी कार्रवाई की जाए। बच्ची के शरीर के अंगों भी कुछ लेकर है, अंग छेड़छाड़ की गई, छेड़छाड़ की गई अंगों से। देखिए उसमें अभी जो प्रथम दृष्टया देखा गया हमारी फैसिलिटी की टीम है उसकी जांच पड़ताल कर रही है और ये देखा जा रहा है कि ये घटनास्थल पे ये ऐसी बात हुई है या कहीं और की गई है। पूरी तरह से हमारी छानबीन जारी है और जो फाइंडिंग्स होगी आपसे शेयर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के कोल्हुई कस्बे से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बच्चे की गलती से टेम्पो अनियंत्रित होकर वहां बैठे लोगों के ऊपर चढ़ा आ रहा था, लेकिन लोग भाग खड़े हुए। गनीमत तो ये रही कि सारे लोग बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। थाने से सटे मुमरा किस्मत कॉलोनी में मदीना पैलेस के सामने बन रहे अवैध इमारत व बांधकाम से स्थानीय रहवासी परेशान हैं। महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन से स्थानीय लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। आखिर कौन है इस अवैध निर्माण का बिल्डर, किसके इशारे पर हो रहा है यहां बेखौफ अवैध निर्माण का काम, क्या इसकी जानकारी नहीं है थाने महानगर पालिका और मुमरा पुलिस को, क्यों नहीं हो रही इस पर कार्यवाही। पास की बिल्डिंग मदीना पैलेस के लोगों ने कार्यवाही करने के लिए लिखित शिकायत पुलिस विभाग और महानगर पालिका को दी है। देखना ये होगा कि इस खबर को दिखाने के बाद व पत्र दोनों विभाग को मिलने के बाद क्या एक्शन होता है, दोनों विभाग क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये इलीगल बांध काम वे लोगों ने चालू किए है, जबकि बिल्डिंग में सेक्रेटरी चेयरमैन कोई भी नहीं थे, इनके एब्सेंस में इन लोगों ने काम स्टार्ट किए और ये मेश बांध के इन लोगों ने काम किया, इंटरनल ये सब वर्क किए लोग ने। और दूसरी बात, पीछे तक के पीछे नीचे ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के विंडो इन लोगों ने कवर कर दिए 3.5 फुट, इन लोगों ने 3-3.5 फुट पीछे खसक गए। अच्छा। और काम चालू करने के पहले हमारे बिल्डिंग में किसी से भी इन लोगों ने कंसल्ट नहीं किए, पेपर भी शो नहीं किए, तो फिर इस वजह से हमको ये कदम उठाना पड़ा। कौन बना रहा है ये बिल्डिंग? चेन बिल्डर करके है कोई, पर पुलिस वाले की जगह है बता रहे वो लोग। मोहसिन हवलदार, हवलदार है, एक्स हवलदार है शायद से जी। हाँ, मोहसिन बिल्डर बना रहे थे। तो अभी इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे दर्ज कराई है? हमने म्यूनसिपलिटी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में, पंच पकड़ी में, सब जगह पे हम लोगों ने इसका दर्ज किया है। किस तरह का आश्वासन दिया गया आपको? बोले कि ये लोग कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग इनकी कार्रवाई जो करेंगे उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ये जगह खाली थी कि कुछ उस पे कुछ बना हुआ था पहले? कितने साल ये बिल्डिंग बनने से पहला खाली थी या बिल्डिंग बनने के बाद कुछ था इधर कुछ पहला? नहीं, बिल्डिंग जब से हम लोग रह रहे हैं कुछ खाली था, ये पूरा खाली था। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग को यही मांग है, से 4 फुट छोड़े, हमारी बिल्डिंग से 4 फुट हटा के लोग बनाए अपना जो भी बना रहे। और आप बिल्डिंग के फ्रंट साइड, बैक साइड, बाजू में जो भी है ये लोग 4 फुट हटा के बना सकते। आपकी बिल्डिंग का काम क्या नाम है? मुंबई से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।